हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण पढ़ेंगे सबके आसपास स्वाध्याय पुस्तिका में। ओके, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सबका सहायक। हम ये वाला पार्ट बुक में पढ़ चुके हैं, अब आज हम स्वाध्याय पोथी में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। देखो, 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय डाकघर में काम करता है। मतलब हमको उधर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय डाकघर में काम करता है। तो ए शिक्षक, बी डाकिया, सी डॉक्टर, डी ग्राम सेवक। तो कौन डाकघर में काम करता है स्टूडेंट्स? डाकिया। आंसर में आएगा बी डाकिया। 2 नंबर्स, निम्नलिखित में से देश की सीमा पर काम करने वाले व्यवसायी कौन है। अब देश की सीमा पर कौन काम करता है? ए पुलिस, बी कंडक्टर, सी सैनिक, डी पटवारी। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आंसर में आएगा सी सैनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चौक डस्टर तथा पुस्तक किस व्यवसाय के साधन है। मतलब चौक डस्टर तथा पुस्तक किस कौन से व्यवसाय के पास रहता है, कौन इसका कौन से व्यवसाय मतलब कौन इसका यूज करता है। ऑप्शन में है ए डॉक्टर, बी डाकिया, सी चपरासी, डी शिक्षक। तो क्या है स्टूडेंट आंसर में? डी शिक्षक। ओके, 4 नंबर, निम्नलिखित में से मुकदमे का निर्णय देने वाली व्यवसायी कौन है। अब इनमें से मुकदमे का निर्णय मीन्स जो कोर्ट में फैसला होता है वो कौन करता है? ए ग्राम सेवक, बी न्यायाधीश, सी पटवारी, डी पुलिस। तो कौन देता है स्टूडेंट्स? बी न्यायाधीश। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, किस व्यवसाय का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत में है। अब हमको पूछा गया किस व्यवसाय का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत में है। ए शिक्षक, बी डाकिया, सी ड्राइवर या डी पटवारी। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? डी पटवारी, क्योंकि ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में कौन रहता है? पटवारी। ओके, अब देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्दों से निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमको देखो इधर हमको कुछ शब्द लिखने हैं जिससे हम ये वाक्य पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगह विमान में हमारी मनोकूल व्यवस्था करने वाला व्यवसाय है। मतलब कौन है हमारे व्यवसाय जो हमारी व्यवस्था पूरी कंप्लीट करता है विमान में? तो विमान कर्मचारी। आंसर में आएगा विमान कर्मचारी, विमान में हमारी मनोकूल व्यवस्था करने वाला व्यवसाय है। 2 नंबर, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र खाली जगह है। तो डॉक्टर कहाँ कार्य क्षेत्र अपना, डॉक्टर अपना कहाँ कार्य करता है, इधर पूछा गया हमको कार्य क्षेत्र। तो हम लिखेंगे डॉक्टर का कार्य क्षेत्र अस्पताल है, क्योंकि अस्पताल में ही डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चोर को पकड़कर उसको नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस खाली जगह का उपयोग करती है। अब चोर को पकड़ के रखने के लिए, उसे नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस किसका उपयोग करती है? तो हथकड़ी का, उसे वो हथकड़ी के जरिए ही पकड़ कर रखती है। तो चोर को पकड़कर उसको नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस हथकड़ी का उपयोग करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, खाली जगह का साधन झाड़ू है। अब किसका साधन झाड़ू है? तो सफाई कर्मचारी का, क्योंकि सफाई कर्मचारी किससे सफाई करते हैं? झाड़ू से, इसलिए हमने लिखा है सफाई कर्मचारी का साधन झाड़ू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रश और रंगों द्वारा सृजनात्मक कार्य करने वाले व्यवसाय। मतलब ब्रश और रंग से कौन सृजनात्मक कार्य करता है? तो चित्रकार अपनी चित्र बनाता है, वो अपने तरीके से अच्छे अच्छे चित्र बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह करना है और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पूछा गया है, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने के लिए विद्यालय में जाना पड़ता है। अब जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने के लिए विद्यालय में जाना पड़ता है, तो गलत, नहीं, हमें जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र स्कूल में लेने नहीं जाना पड़ता। 2 नंबर, मोटर कार और स्कूटर की मरम्मत के लिए हमें ड्राइवर के पास जाना पड़ता है, तो गलत,
टी नंबर ड्राइवर बस चलाता है, तो सही, ये रहा सही। क्वेश्चन नंबर 4, चौक डस्टर और पुस्तक ये सब शिक्षक के साधन हैं, तो सही। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पर करेंगे हम सही। ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया ये वाला पेज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट पेज, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे चित्र देखो और आपको जो जो बनना पसंद है उन चित्रों के नीचे खाली जगह गोल में लाल रंग भरो। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये हमको इधर चित्र दिए गए हैं, ये है डॉक्टर का चित्र, ये है वो जो विमान में विमान कर्मचारी होते हैं वो उसका चित्र, ये है जो हमारे वहाँ पे लाइट लगाते हैं खंभे लगाते हैं वो, और ये नर्स, ये है। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन है, ये विमान कर्मचारी, और ये कौन था, पुलिस, ये कौन है स्टूडेंट्स, ये पुलिस है। ओके, और ये है डाकिया, ये है कौन, ये कार सफाई करते जो गैरेज वाले होते हैं वो, और ये है सैनिक, और ये है चित्रकार। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें क्या करना है मैं बताऊं, आपको इसमें जो आपको बनना है, जो जो आपको बनना है उसमें आपको देखो इसके नीचे गोले दिए गए हैं उसमें आपको लाल रंग भरना है, तो ये आपकी इच्छा है कि आपको जो बनना है उसके नीचे आपको लाल रंग भरना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 5, हमारी सहायता करने वाले व्यवसाय को नीचे नाम लिखो। अब हमारे जो हमको सहायता करते हैं उन व्यवसायियों के नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। देखो पहले कौन हमको सहायता करता है, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नर्स, पुलिस, डाकिया, ड्राइवर, पायलट, सैनिक, दर्जी, चित्रकार और सफाई कर्मचारी इत्यादि हमको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमको इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लीना क्या बने तो अच्छा रहेगा। अब हमने किताब में पढ़ा था लीना की स्टोरी, तो हम इसके आधार पर हम लिखेंगे, लीना डॉक्टर बने तो अच्छा रहेगा क्योंकि उसे डॉक्टर बनना बहुत पसंद है। क्योंकि लीना क्यों डॉक्टर बने, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे हमको पूछा गया, अब आपको पूछा गया है कि आप क्या बनना चाहते हो, मैंने एक एग्जांपल के तरीके से लिखा है, मैं एक पुलिस बनना चाहती हूँ, मुझे चोर को पकड़ने में मजा आता है। देखो हम यहाँ पे हमने लिखा है कुछ भी, अब जो आपको बनना है वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, आपके मित्र क्या क्या बनना चाहते हैं। अब हमको हमारे मित्र के बारे में लिखना है कि हमारे मित्र क्या क्या बनना चाहते हैं। हमारे सारे मित्र, तो हमको लिखेंगे हमारे मित्र डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस, पायलट, डाकिया, नर्स, चित्रकार, सैनिक आदि बनना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, आप उनकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं, तो आप हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें अच्छा सुझाव दे सकते हैं, हम उन्हें कुछ अच्छा बनने का सुझाव दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, अपनी पसंद के व्यवसाय के चित्र के साथ दिए गए गोले में रंग भरिए। देखो इधर भी हमको वही चित्र दिए गए हैं, इधर आपको जो बनना है उसमें आपको इस गोले में लाल रंग भर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 8, साधनों के चित्रों के नीचे उनसे संबंधित व्यवसायों के नाम और कार्य लिखिए। देखो यहाँ पे हमको चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में हमको सब लिखना है। ये देखो ये क्या है, स्टेथोस्कोप, इसका उपयोग कौन करता है, डॉक्टर। किस लिए उपयोग करते हैं, इससे हमारा उपचार करते हैं, इससे हमारे डॉक्टर हमारे बुखार वगैरह को चेक करते हैं और हमारा उपचार करते हैं। ओके, फिर ये देखो क्या है, ये है बैग, बैग में क्या है, इतने सारे पोस्ट्स हैं, तो इसका कौन यूज करता है, डाकिया। डाकिया क्या करता है, डाक पहुंचाता है। ओके, अब ये नेक्स्ट है हथकड़ी, हथकड़ी है, अब हथकड़ी का उपयोग कौन करता है, पुलिस, जुर्म करने वाले को पकड़ती है। पुलिस क्या करती है, हथकड़ी से जुर्म करने वालों को पकड़ती है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है टेबल, बुक, चौक, डस्टर, कुर्सी, इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग एक शिक्षक करते हैं, टीचर करती है, टीचर हमको क्या करती है, हमको शिक्षण देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं स्टूडेंट, शिक्षक हमें शिक्षण देते हैं। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, झाड़ू,
झाड़ू क्या करते हैं, झाड़ू का उपयोग कौन करता है, सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी झाड़ू से क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ओके, फिर ये देखो पाना, ये पाना का उपयोग कौन करता है, पाना का उपयोग मैकेनिक करता है। क्यों, क्योंकि मैकेनिक पाने से गाड़ी ठीक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चित्र देखिए और व्यवसाय के नीचे वाला चिन्ह उसके साधन के ऊपर वाले वृत्त में भी बनाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, इधर हमको दिए गए हैं ये व्यवसायिक कार्य दिए गए हैं और इनके ये साधन हैं। इधर हमको जो नीचे चित्र दिए गए हैं उसमें हमको इसमें बनाना है। ओके, देखो फर्स्ट पे है सैनिक, सेकंड है शिक्षक, थर्ड है सफाई कर्मचारी, फोर्थ नंबर पे है नर्स और फाइव नंबर पे है डॉक्टर। अभी देखो इसके नीचे सारे चिन्ह बने हुए हैं। अब देखो झाड़ू, अब झाड़ू का यूज कौन करता है, तो सफाई कर्मचारी। तो इसके नीचे ये वाला वृत्त में ये वाला चिन्ह बना हुआ है, तो ये चिन्ह हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है बॉक्स, इसमें क्या है, सब मलम पट्टी करने के साधन है। तो इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग करते हैं नर्स, इसलिए हम नर्स के नीचे ये वाला निशान है, तो ये वाला निशान हम इस गोले में बनाएंगे। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का यूज कौन करता है, स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर के नीचे देखो ये वाला निशान लगा है, तो हम यहाँ पे ये वाला चिन्ह करेंगे। फिर है टेबल, बुक, चॉक, डस्टर और कुर्सी। अब इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग शिक्षक करते हैं। तो शिक्षक के नीचे प्लस का निशान है, हम भी गोले में प्लस का निशान करेंगे। फिर देखो थर्ड नंबर पे कौन है, फाइव नंबर पे है हथकड़ी। अब हथकड़ी का उपयोग कौन करता है, हथकड़ी का उपयोग करता है पुलिस। ये देखो ये रहा पुलिस, हथकड़ी का उपयोग करते हैं। और इसके नीचे देखो ये त्रिकोण का निशान बना है, हम त्रिकोण का निशान यहाँ बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान हमको भरना है, खाली जगह भरनी है। अब देखो यहाँ पे दिए गए क्रम, व्यवसाय का नाम, साधन और किस प्रकार का उपयोग करते हैं वो। तो फर्स्ट नंबर पे है सैनिक, सैनिक का साधन होता है बंदूक और सैनिक हमारे क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। ओके, फिर है टू नंबर में शिक्षक, शिक्षक का साधन होता है किताब और शिक्षक हमें शिक्षण देते हैं। ओके, थर्ड नंबर है डॉक्टर, डॉक्टर का साधन होता है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा उपचार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, सही जोड़ियां बनाइए, उत्तर वाले खाने में विभाग ब का क्रम अक्षर लिखिए, अ विभाग अ, उत्तर विभाग ब। अब देखो वन नंबर में शिक्षक, तो शिक्षक किस का उपयोग करते हैं, तो शिक्षक पढ़ाता है, तो हम लिखेंगे ड। ओके, टू नंबर डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उपचार करते हैं, तो ये अ हम यहाँ लिखेंगे टू नंबर में। ओके, थ्री नंबर पुलिस, पुलिस क्या करते हैं, तो पुलिस हमारी रक्षा करता है, तो ई, तो हम यहाँ लिखेंगे ई। फोर नंबर कंडक्टर, कंडक्टर क्या करता है, बस का टिकट देता है, तो यहाँ पे है ब, तो हम लिखेंगे यहाँ ब। फाइव नंबर राजगीर, राजगीर क्या करता है, तो मकान बनाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, विभाग अ व्यवसाय, उत्तर विभाग ब। देखो इसमें भी हमको वही करना है, काम करने वाले स्थान। वन नंबर पुलिस, पुलिस तो पुलिस का काम करने का स्थान कौन सा है, थाना, तो ई है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई। टू नंबर शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक कहाँ रहते हैं, पाठशाला में, तो अ, तो हम यहाँ लिखेंगे अ। तीन नंबर डाकिया, डाकिया का कार्य क्षेत्र कौन सा है, डाकिया का कार्य क्षेत्र डाकघर है, तो यहाँ पे है ड, हम यहाँ लिखेंगे ड। फोर नंबर डॉक्टर, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र कौन सा है, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र है अस्पताल, ब, तो हम यहाँ लिखेंगे ब। पांच नंबर पटवारी, पटवारी का कार्य क्षेत्र कौन सा है, ग्राम पंचायत, तो हम यहाँ लिखेंगे क। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए व्यवसायों, व्यवसाय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, लिखिए, अब हमको इसका व्यवसाय किस प्रकार उपयोगी लिखना है। वन नंबर पुलिस, पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। टू नंबर न्यायाधीश, मुकदमे का निर्णय न्यायाधीश करते हैं। थ्री नंबर सफाई कर्मचारी, हमारे मोहल्ले में सफाई करते हैं। फोर नंबर डॉक्टर, डॉक्टर हमारा उपचार करता है। ओके,
फाइव नंबर शिक्षक, शिक्षक हमें शिक्षण देता है। ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और जो आगे वाले पेज में क्रियाकलाप है, अपने गांव के व्यवसायी और उनके व्यवसाय के स्थानों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें नीचे नोट करें, वो ये दोनों क्वेश्चन नंबर वन और टू आपको होमवर्क में आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर सिक्स कम्प्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर सिक्स इज कम्प्लीट। थैंक यू।